अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। हम भी अच्छे हैं। सोकर उठे तो जो है ऊपर आ गए साफ़ सफाई करने के लिए। रूम बहुत दिनों से बंद था तो इसलिए बहुत गंदा हो गया था, तो सोचा साफ़ सफाई कर लूँ। और ईद भी करीब है और रमज़ान का, जब रमज़ान आती है तो रमज़ान की भी एक अलग खुशी होती है। रमज़ान के महीने में इबादत है, नमाज है, कुरान है और सदका, फितरा, खैरात, ये सब देना लेना रहता है। तो रमज़ान की एक अलग ही खुशी होती है। उसके बाद रोज़ा रहना और शाम को रोज़दारियों के लिए इफ्तारी बनाना, ये सब बहुत अच्छा माहौल था, बहुत खुशी भरा, रौनक भरा माशाल्लाह। तो अब ईद की भी उतनी ही खुशी है, तो इसलिए हर घर घर में लोग पेंट है और साफ़ सफाई कराते हैं। तो यहाँ हम भी अपनी पेंट तो नहीं हो रहा है लेकिन साफ़ सफाई ज़रूर हो रही है। और जैसे रमज़ान की खुशी होती है वैसे ईद की भी खुशी होती है, तो ईद की खुशी में सब साफ़ सफाई चल रही है, देखें माशाल्लाह। कल ही धुलें, आज धुलेंगे तो बहुत टाइम हो जाएगा। गर्दा देखें, बहुत ज़्यादा गर्दा सब है इस पे, सब ज़मीन में बहुत गर्दा। ये सब हो जाएगा, पोछ लेंगे, उसके बाद चादर, बेड पे चादर बिछा देंगे। दीवार पे भी सब गर्दा बैठ जाती है ना। लाइट जला दिया ताकि उजाला हो जाए, अच्छे से साफ हो जाए। सब गर्दा गंदगी बहुत है, इसी बहाने साफ हो जाएगा। अरे उतने ऊपर तो हमसे नहीं हो पाएगा, नीचे नीचे का जो है हम साफ करते रहें, बहुत ऊंचे काम से नहीं साफ हो पाएगा। चलें झाड़ू लगा दें, साफ सफाई हो जाए। अभी जल्दी जल्दी हमको नीचे का भी जाके किचन का काम करना है, अफ्तारी है, खाना है सब। लाइट चली गई, इन्वर्टर से दो बल्ब जला दिया है और ये इन्वर्टर से चल रहा है। लाइट ही चली गई है, अदनान कितनी जोर जोर से जो है गेम खेल रहे हैं। चलें थोड़ा बहुत और पोछ ओछ के बेड पे चादर बिछा के फिर नीचे चलें। चादर यहाँ उतार दिया, गंदी वाली टांग दें, अभी ये वाली बिछा देते हैं। ये एसी के लिए जो मुक्का खुला है ना, उसी से और भी गर्दा सब आ जा रही है। बस चलो जो हल्का फुल्का है साफ हो जाए। साफ सफाई करना बहुत अच्छी बात होती है साफ साफ घर रहता है तो अच्छा लगता है। हमको खाना पकाने से ज़्यादा साफ सफाई अच्छी लगती है, लेकिन हमको खाना पकाने से फुर्सत ही नहीं, साफ सफाई हम क्या कर पाएंगे। अभी पे कुछ ना कुछ अपने हिसाब से हम कर ही लेते हैं, काम ज़्यादा जो भी है। घर के लोग चिल्लाएंगे, अरे नहीं अभी क्या, अभी तो साफ़ है, अभी कहाँ गंदा है, लेकिन हम बाज नहीं आते, हम करते रहते हैं साफ सफाई अपनी, उनकी एक तरफ मेरी एक तरफ। चलो भैया।
ये काम तो हो ही गया है। आज छत पर आ गए थे सब, उधर की सारी छत साफ किया तो इसीलिए इधर का भी साफ कर लिया। लाइट है नहीं, अंधेरा है नहीं तो दिखाते आप। है लाइट इन्वर्टर से है। ये सब झाड़ू लगाया, सारा गंदा था ना, ये सब साफ सफाई किया क्योंकि गर्दा हो जाती है, गर्दे की वजह से सब साफ सफाई करके यहाँ से गए। यहाँ सब बहुत ज़्यादा मिट्टी थी, ये सब साफ किया तो बस ये सारे साफ कर दिए हमने। बस वही वाला रूम बचा था तो हमने कहा उसको भी साफ कर लें। ये जाला जो है नहीं छूट पाया, बहुत ऊपर है, हम नहीं जा पाएंगे रोज़ा रख के, तो बस यही वाला बचा है, इसकी भी साफ सफाई कर लेते हैं, उसके बाद नीचे चलते हैं। साफ सफाई सब हो गई, खाली बेड पे चादर बिछाना है और पोछा लगा दे, पोछा लग जाएगा तो बस यही दो काम बचा है, बाकी सब हो गया मेरा। पोछा मार दिया है, वहाँ रख दिया है। लाइट चली गई थी तो इन्वर्टर से हमने पंखा चला दिया है ताकि यहाँ सब सूख जाए। और मेजपोश खिली हुई है, मेज खुली हुई है, मेजपोश बिछा देते हैं इस पर। मेजपोश भी गंदी है, इसको भी हम साफ़ कर लें थोड़ा तो चमक आ जाए। और ये सब भी गंदा है। तो पोछा देखें लग गया है, साफ हो गया है सब एकदम बढ़िया। लाइट आ गई है तो चले हम थोड़ा बहुत हल्का फुल्का जाला है छुड़ा लें। घड़ी के पास लगा, धीरे से ले लेनी, घड़ी गिर जाएगी। और यहाँ कोने में भी है, देखें हम पाते हैं, हम पा ही नहीं पाएंगे, हम चढ़ गए हैं जाला को, पा जाएंगे हम। आ गई थी, साफ सफाई हो गई, सब साफ हो जाता है तो कितना अच्छा लगता है ना। सब बिल्कुल साफ साफ हो गया, एकदम फ्रेश फ्रेश, चिकना चिकना सब, जाला वगैरह सब छूट गया, कुछ नहीं बचा है, सब दरवाजे वगैरह सब क्लीन हो गए एकदम। चादर उठानी है अभी, इसको ले जाएंगे नीचे धुलने के लिए, बाकी सब साफ हो गया है। तो यहाँ साफ सफाई हो गई है और बेड वगैरह बिछा दिया, अब चलते हैं नीचे। नीचे पहला काम है हमारा नहाने का, हम नहाएंगे। तो हम बहुत गंदे हो गए थे, नहा कर निकल गए हैं बाथरूम से, उसके बाद कीमा दे दिया, उबैद को कूट रहे हैं और हम बैठ गए हैं जा नमाज पर, अपनी जोहर की असर की नमाज़ पढ़ेंगे कज़ा। किचन में फिर आ गए, किचन में आने के बाद हम पहले काम हमारा चना चढ़ा दिया, फिर सलाद काट रहे हैं, उसके बाद जूस बनाया है और कीमा रख दिया। रोज़ा खोल लेंगे तब उसके बाद खाना वगैरह बनाएंगे। कढ़ाइया चढ़ा दिया है छानने के लिए पकौड़ी। तो माशाल्लाह हमारा सब काम हो गया, साफ सफाई का भी और रोज़ा अफ्तार का भी हमने सब आइटम बना लिया, थोड़े बहुत बनाए, ज़्यादा तो नहीं। और अफ्तार खोलने का टाइम भी हो गया हमारा, जो भी बना था सब इकट्ठा कर लिया, बैठ गए बच्चे, हम भी रोज़ा खोला। माशाल्लाह सब काम हो गए, बड़ी खुशी हुई, सब कुछ हो गया, रोज़ा भी खुल गया और साफ सफाई भी हो गई, छान भी लिया अपने हाथों से, बना भी लिया बच्चों ने बैठकर माशाल्लाह रोज़ा। हम लोग बच्चों के साथ बैठ कर रोज़ा खोले नहीं हैं अभी, बस यही टाइम हो गया खोलने का, खोला जा रहा है। अजान हो रही ईशा की, चलिए फिर वीडियो को एंड कर देती हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।